सिंगफ सिनबा। कृत्रिम सिंगफ बनाने से पहले हम सिंगफ के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सिंगफ पारे का एक मुख्य अयस्क है। विश्व का ज्यादातर पारा इसी से प्राप्त किया जाता है। सिंगफ पृथ्वी में ज्यादातर मिट्टी के साथ दानेदार रूप में मिला हुआ या छोटे टुकड़ों के रूप में पाया जाता है। ये अयस्क रंग में चमकदार गेरू लाल होता है। इसमें कभी कभी धात्विक पारे के कण भी बूंदों के रूप में पाए जाते हैं। इटली और स्पेन से प्राप्त सिंगफ से विश्व का लगभग 50% पारा आता है। इसका रासायनिक सूत्र HgS मर्क्यूरी सल्फाइड है। आजकल ये ज्वालामुखी के आसपास की नालियों और गड्ढों से भी एकत्रित किया जाता है। इसकी कुछ मात्रा क्षारीय गर्म पानी के झरनों से खनिज रूप में प्राप्त की जाती है। व्यावसायिक स्तर पर सिंगफ से पारा प्राप्त करने के लिए सिंगफ को पीसकर घूमने वाली भट्टियों में डालकर गर्म हवा का तेज प्रवाह करते हैं, जिससे पारा गंधक से अलग होकर आसानी से उड़कर एक अलग चैम्बर में इकट्ठा हो जाता है। यहां पर इसे ठंडा करके लोहे की बोतलों में भरकर निर्यात कर दिया जाता है। ये लोहे की बोतलें 34.5 किलोग्राम पारे को वहन करती हैं। हमारे यहां इन बोतलों को रतल भी कहते हैं। ए मार्क जर्मनी, बी डी एच ब्रिटिश ड्रग हाउस सिंगफ से उच्च दाब और उच्च ताप पर पारे का निष्कासन करती है। प्रायोगिक दृष्टिकोण से ये उच्च स्तरीय पारा है और इसे निर्विवाद रूप से सभी कार्यों में प्रयुक्त किया जा सकता है, सिर्फ खाने योग्य औषधि निर्माण को छोड़कर, क्योंकि ये खनिज पारा है और आयुर्वेदिक औषधि खाने योग्य औषधि निर्माण के योग्य नहीं है। और साधारण स्तर का पारा जो लोहे की बोतलों में आता है, ये खाने योग्य औषधि निर्माण की दृष्टि से पूरे तौर से स्तरहीन पारा है। यही दोनों प्रकार के पारा बाजार में उपलब्ध है। ई मार्क आदि कंपनियों के पारा महंगे हैं और बाजार में खुले नहीं मिलते हैं, किसी रेकग्नाइज्ड साइंटिफिक स्टोर पर ही मिलेंगे, जबकि रतल वाला पारा बाजार में खुला मिल जाता है और सस्ता भी है। यही दोनों प्रकार के पारा लगभग सभी कंपनियां आयुर्वेदिक औषधि निर्माण में प्रयुक्त कर रही हैं। ये पूरे तौर से दोषपूर्ण है। आयुर्वेदिक पद्धति से पारा निकालने के लिए सिंगफ को पत्थर विशेष प्रकार के खरल में नींबू के रस से 4 से 6 घंटे घुटाई करें। अवलेह जैसे सिंगफ को मिट्टी की हाड़ी के अंदर तली पर लेप करें। अवलेह सूखने पर ऊर्ध्वपातन यंत्र विधि से लगभग 250 से लेकर 450 शून्य सी पर पारे को प्राप्त करें। ये पारा आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से शुद्ध तो है, किंतु खाने योग्य औषधि निर्माण योग्य नहीं है, क्योंकि अभी भी ये खनिज पारा ही है। सभी रस ग्रंथ पारे को शोधन के बाद संस्कार के लिए लिखते हैं, कारण ये पारा अब भी खाने योग्य नहीं है। प्रथम 8 संस्कार के बाद ही पारा औषधि निर्माण योग्य हो पाता है। हिंदुस्तान में चूनकी सिंगफ इटली रोम से आता रहा है, अतः आज भी इसे रोमी यानी रोम से आयातित सिंगफ के नाम से ही पुकारा जाता है। रोम से आयातित सिंगफ में पारे की मात्रा सबसे ज्यादा रही है, अतः इसे सबसे अच्छे स्तर का सिंगफ माना गया है। आज दुनिया कोई देश सिंगफ का निर्यात नहीं करता है, अतः आज के समय में पंसारियों के यहां मिलने वाले सिंगफ का नाम रूमी सिंगफ बेमानी है। हमारे यहां आज जितना भी सिंगफ बाजार में उपलब्ध है, वो बहुत ही साधारण स्तर के पारा, गंधक और बहुत थोड़ी मात्रा में मेनसिल के योग से बना है।
यानी पूरे तौर से कृत्रिम है। जब सिंगफ ही कृत्रिम है तो उसके आगे की सारी बातें जैसे सिंगफ स्थायी करना, सिंगफ मोम करना या फिर सिंगफ से निकला पारा शुद्ध होता है, सब बेकार की बातें होती है। आज दुनिया का कोई भी देश सिंगफ निर्यात नहीं करता है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। सिंगफ जब निर्यात ही नहीं होता है तो बाजार में कहां से मिलेगा? आज आप किसी पंसारी के यहां सिंगफ का ऑर्डर कर दीजिए, वो बुलाकर दे देगा। इस सिंगफ में 900 ग्राम से ज्यादा पारा निकल जाएगा। पारे की खदान में से पारे के साथ मिट्टी, कनका पत्थर और भी बहुत कुछ कचरा निकल जाता है, तो खदान के खनिज से 50% भी पारा ठीक से नहीं निकल पाता है। ज्यादातर इसमें मिट्टी ही होती है। हम सिंगफ के चमकदार चटक लाल रंग के टुकड़ों को देखते हैं, वो वास्तव में कभी कभी ही मिल पाते हैं। जैसे सोने की खान में सोने का एक बड़ा टुकड़ा मिल जाए। वर्तमान समय में पारे की मांग को देखते हुए पारा इतनी बड़ी मात्रा में प्रोसेस किया जा रहा है, ये टुकड़े तो भूल ही जाइए। पुराने समय में सिंगफ ज्यादा उपयोगी था, इस वजह से सिंगफ का ही सब जगह वर्णन मिलता है। स्पेन में दुनिया का सबसे ज्यादा पारा निकलता रहा है। रोम, अमेरिका आदि में भी पारा निकलता रहा है, लेकिन जापान में हुए मीना माता हादसे के बाद से दुनिया के सभी यूरोपियन देशों ने पारे पर हर प्रकार की रोक लगा दी है। आज के समय में हिंदुस्तान में जो भी पारा आ रहा है वो सभी चीन और रूस से आ रहा है। चीन और रूस में ज्यादा ज्वालामुखीय क्षेत्र है, नहीं यानी कि आग्नेय चट्टाने नहीं है। हजारों साल पहले यहां ज्वालामुखीय क्षेत्र रहे होंगे। चीन और रूस में जो भी पारा निकल रहा है ये सभी गहरे पानी कीचड़ में से निकाला जा रहा है। जो लोग भी सिंगफ को बनाकर अग्निस्थायी करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें ये ठीक से मालूम होना चाहिए, जो पारा हजारों साल से उच्च ताप और उच्च दाब पर आग्नेय चट्टानों में स्थिर हो गया है, इसे अग्नि स्थिर करना बहुत मुश्किल नहीं होता है। जो भी पारा हजारों साल से पानी में दबा है इसे अग्नि स्थिर किया ही नहीं जा सकता है। जो लोग भी पारद कर्म कर रहे हैं, रस शास्त्रों और आयुर्वेद में भी पारे के दो दोषों का वर्णन आता है, आग्नेय और आप्य। इन्हें ध्यान से पढ़े और समझे, तभी पारे पर कार्य करने की कोशिश करें। वर्तमान समय में जो भी पारा बाजार में आ रहा है इसकी गुणवत्ता 20 साल पहले तक भी जो पारा हमारे यहां आ रहा था इसकी और उसकी गुणधर्म बिल्कुल विपरीत है। यही बड़ी वजह है, जब इनसे औषधि निर्माण होती है तो ये शरीर में आसानी से घुल मिल नहीं पाती है। दुनिया के कई देशों ने पारे से बनी औषधियों पर रोक लगा रखी है। आप पारे को लेकर जो भी प्रक्रिया अपना रहे हैं उसमें कमी नहीं है। आप जिस पारे पर कार्य कर रहे हैं उसे ठीक से समझने की जरूरत है। आइए अब जानते हैं कि आप घर पर ही आप सिंगफ कैसे बना सकते हैं। सिंगफ बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक भाग पारद लेना है और 4 भाग गंधक। उसको लेकर उसकी कजली बनानी है। बाद में उस कजली को लेकर आप एक लोहे की कढ़ाई में डाल दे और उसको हल्की आग दे और किसी डंडे से उसको हिलाते रहे और जितना भी माल है उसका 1/10 भाग मैंचला चुटकी चुटकी करके डाल दे और उसको हिलाते रहे। जब सब माल मिल जाए और गठे जैसा हो जाए तो उसको नीचे उतर ले और ठंडा होने दे। बाद में आप इसको पीस ले, फिर एक मजबूत कांच की बोतल में इसको भर दे और ऊपर फिर से कच्चा गंधक पीस कर डाल दे और बोतल का मुंह बंद कर दे। अब इसको अच्छी कपरमित करके इसको पहले हल्की 3 घंटे आग दे, बाद में इसको 3 घंटे तेज आंच दे
बाद में बोतल को ठंडा होने दे और बोतल को तोड़ के अंदर से सिंगफ प्राप्त कर ले।